बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिज़वी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज बुध 3 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की। 180 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा। और बदकिस्मती के साथ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि ईरान क्यों कर रिटेलिएट करेगा, ईरान ही तो इसराइल है, ईरान ही तो इनका एजेंट है। शुक्र करें कि हमास के मुजाहिदीन, हिजबुल्ला के मुजाहिदीन, हौसी मुजाहिदीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमली मुजाहरा करके इन दज्जाली ताकतों को दिखा रहे हैं। वरना जितना ये हमें डिवाइड कर चुके हैं, तो ये दिनों दिनों के अंदर अगर ये थोड़ा बहुत इत्तेहाद भी ना होता जिसका मुजाहिरा मुजाहिदीन की जानिब से किया जा रहा है, तो दिनों दिनों के अंदर अपना थर्ड टेंपल वाला मंसूबा इंप्लीमेंट करके हमें दिखा देते। इतना जहर मिंबरों से हमारे अंदर घोल दिया गया है कि हम इन दज्जाल के मानने वालों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी नफरत हम एक दूसरे से करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जब सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे और कई सालों के बाद सऊदी अरब का दौरा किया था, तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने यहाँ पर जो OIC कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान की मौजूदगी में कहा था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखकर क्या सोचते होंगे कि हम एक नबी की उम्मत हैं, एक नबी को मानने वाले हैं और हम इतना डिवाइड हो गए। अब वो क्या सोचते होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोचते होंगे, बदकिस्मती की बात है, इसकी हमें फ़िक्र नहीं है। हमें इसकी फ़िक्र है, अल्लाह माफ़ करे, कि अमेरिका का सदर जो बाइडन क्या सोचता होगा हमारे इकदामात को देखकर। इसकी फ़िक्र हमें ज़्यादा सताने लगी है और यही वजह है कि आज 30,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए गजा के अंदर, और हम एक दूसरे के साथ एक ब्लेम गेम के अंदर हम लगे हुए हैं। और हमारे अंदर इस तरह का जहर कहाँ से घोला जा रहा है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। खैर, ईरान ने ये भी बता दिया है, मीटिंग हुई है ईरान की और ईरान ने उस मीटिंग में फैसला कर लिया है कि ईरान कब रिटेलिएट करेगा, किस अंदाज में रिटेलिएट करेगा, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। पहले मैं आपको गजा की सूरत हाल बता दूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59 मजीद शहादतें और 83 मजीद जख्मी रिपोर्ट हुए हैं गजा के अंदर। ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये रिसेंट डेटा है, 32,975 यानी कि तकरीबन 33,000 होने वाली हैं शहादतें। ये डेटा चंद घंटों कबल का डेटा है और कोई मिनट ऐसा नहीं है कि गजा के अंदर कोई मासूम इन दरिंदों के हाथों शहीद ना हो रहा हो। और ज़ख्मी 75,577 ये आपको नज़र आ रहा होगा। 13,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं जिनको इन सहूनियों ने शहीद किया है। अब इन 33,000 की इतनी बात पूरी दुनिया या आलमी मीडिया नहीं कर रहा। ये जो 33,000 शहीद हैं जिनमें 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, चलें आलमी मीडिया को तो छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया आपको मालूम है कि मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया आप कहेंगे कि और उन्होंने क्या रिपोर्ट करना है। उन्होंने तो जो एड वर्कर्स हैं, जो 7 एड वर्कर्स गुज़िश्ता रोज़ निशाना बने इन सहूनियों का, उनके हवाले से सुर्खियाँ ग्रैब कर रखी हैं। चलें आलमी मीडिया को तो छोड़ दें, जो आपका OIC है, आपके जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इतनी आवाज़ इन 33,000 शहीदों पर नहीं उठा रहे जितनी आवाज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन 7 एड वर्कर्स पर। और पूरी मुस्लिम दुनिया की जानिब से भी जाहिर है, इन यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की तरह जो मुस्लिम दुनिया है उनकी जानिब से भी इन 7 एड वर्कर्स पर। और जाहिर है ये कर क्या रहे थे, कितना नोबल मिशन था इनका कि भूखों को खाना खिलाते थे, एड वर्कर्स थे ये, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से था, अमेरिका से, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड से, लेकिन ये कितना नेक काम कर रहे थे कि रोज़ादारों को ये खाना पहुंचा रहे थे और अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर। तो इनकी इन हलाकतों पर पूरी मुस्लिम दुनिया को भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन ये देखें रद्द अमल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, UK की जानिब से, कैनेडा की जानिब से, UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने तो कहा कि सिचुएशन इज़ बिकमिंग अनबेरेबल, नाकाबले बर्दाश्त होती जा रही है सूरत हाल, कि आपने 1-2 एड वर्कर्स थे, 7 थे टोटल, जिसमें से 1-2 बरतानिया के भी थे, पोलैंड के भी थे, अमेरिका के भी थे, पोलैंड का भी रद्द अमल सामने आया है, कैनेडा के भी रद्द अमल सामने आया है। ये पोलैंड का रद्द अमल देख लें, पोलैंड ने कहा कि स्ट्राइक ऑन एड वर्कर्स पुटिंग पोलैंड इसराइल टाइज टू द टेस्ट, यानी कि एड वर्कर्स को निशाना बनाने पर पोलैंड ने, इसराइल के इत्तेहादी ने, नेटो मेंबर कंट्री ने कह दिया
कि ताल्लुकात ख़तरे में पड़ गए हैं, आपने हमारे एड वर्कर को टारगेट किया है और यहाँ पर इन ओआईसी कंट्रीज़ का और स्पेशली इन अरब लीग के कंट्रीज़ का ये हाल है कि 33,000 शहादतें, 13,000 से ज़्यादा बच्चे भी शहीद हो गए, लेकिन ये कहते हैं कि हम ताल्लुकात नहीं तोड़ेंगे इसराइल के साथ, बल्कि जो रह गए हैं जैसे सऊदी अरब है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि आने वाले हफ्ते में सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान मीटिंग करने वाले हैं जेक सुलवन से, और मुलाकात में बात यही होगी कि ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कैसे करना है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 एड वर्कर्स को टारगेट करने पर जितना सख्त रद्दअमल यूरोपियन कंट्रीज़ का सामने आ रहा है, उतना सख्त रद्दअमल रोज़ादारों को, मस्जिदुल अक्सा को टारगेट करने पर भी हमारे इन मुसलमान ममालिक के सामने नहीं आ रहा, जो आपस में लड़ने में तो इतने शेर हैं, कभी ईरान पाकिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़े हुए होते हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि ये मौजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मौजा होगा, ये सहूनी आपस में लड़ पड़ेंगे, देखना कैसा मौजा होगा। हम दुआएं कर रहे हैं, हम अलामियाँ जारी कर रहे हैं बंद कमरों के अंदर बैठकर इसराइल के अंदर। बहरहाल बहुत ज़्यादा जो मुजाहरे फूटे थे और बहुत बड़ी तादाद में ये इसराइली थे, इनमें से जो लीड कर रहे हैं ये वो इसराइली हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स हमास की कैद में हैं। तो ये बहुत बड़ा हो गया मुजाहिरा, ये 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने 1-2 महीने तो सब्र किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी फौजियों को मार पड़ रही है, हमारा ऑपरेशन जो है नेतन्याहू का वो कामयाब नहीं हो रहा, वो ख़वातीन और बच्चों से बाहर ही नहीं निकल रहा वो ऑपरेशन, तो इनका मुजाहिरा बहुत बड़ा हो गया और अब ये मुजाहिरा दंगों में बदल चुका है। यहाँ पर इनकी जो पुलिस अहलकार हैं, जो फौजी हैं इनके इसराइल के, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ चल पड़ी, इन्होंने क्नेसेट के अंदर धावा बोल दिया, जो इसराइल की पार्लियामान है, पीले रंग लाल रंग लेकर इन्होंने मुजाहरा बहुत शदीद कर दिया है कि बस कर दो, तुम्हारा काम नहीं है हमारे कैदियों को छुड़वाना, तो हमास की ऑफर को मानो और बातचीत की टेबल पर बैठो, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स चाहिए, हमें तुम्हारी पॉलिसियों से कुछ लेना देना नहीं है, हम बहुत इंतज़ार करके देख चुके, 180 रोज़ मुकम्मल हो गए लेकिन रिजल्ट तुम्हारा सिफर है, सिवाय तुम ख़वातीन बच्चों मरीजों की लाशें दिखाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। इससे पहले कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए और इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं कि ईरान के कौंसल खाने के ऊपर हमले के बाद ईरान का रद्दअमल सामने आएगा, अमेरिका ने भी इसराइल को वार्न किया है, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जंग फैल जाएगी, क्योंकि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान के लोगों में जो मुसलमान हैं उनमें बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा है और वो ईरान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा वो ईरान का सियासी किस्म का रद्दअमल काम नहीं करेगा, ईरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो अब देखना यह है कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है। कहीं पर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि 24 घंटे 48 घंटे इसराइल की फौजें हाई अलर्ट पर हैं, और ईरान के अंदर मीटिंग हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो कौंसल खाने पर हमला हुआ था उसके बाद पासदारान इनकलाब की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद पासदारान इनकलाब के तर्जमान ने क्लियरली बताया कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा। खैर अब आने वाले चंद घंटों में वाजे हो जाएगा कि क्या ईरान रिएक्ट करेगा और अगर रिएक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुना देता हूँ, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। सून वी विल सी डेडलियर ब्लोज टू द ज़ायनिस्ट रिजीम, डेडलियर ब्लोज, ब्लो नहीं, ब्लोज टू द ज़ायनिस्ट रिजीम, एंड द रेजिस्टेंस फ्रंट विल कैरी आउट इट्स ड्यूटीज इन दिस रिगार्ड। सिंपल और बिल्कुल क्लियर किस्म का रद्दअमल है जो ईरान की जानिब से सामने आया कि ज़ायनिस्ट रिजीम को बहुत जल्द जवाब मिलेगा, डेडलियर किस्म के ब्लोज का सामना होगा ज़ायनिस्ट रिजीम को, और ये सामना होगा रेजिस्टेंस फ्रंट से, यानी कि हिजबुल्ला, हौसी मुजाहिदीन, इराकी रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन हमास की जानिब से। अब ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि हिजबुल्ला की साइड से कोई मेजर किस्म का हमला रिपोर्ट हो सकता है और ईरान इस तरह से रिएक्ट करेगा, और ईरान को इसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर ईरान डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व होगा तो फिर ये ईरान के लिए सही नहीं होगा कि डायरेक्ट ईरान इस जंग के अंदर कूद जाए। इसी बात का इंतज़ार ये नेतन्याहू कर रहा है, क्योंकि ये हार चुका है, मुजाहिदीन से ये बिल्कुल शिकस्त खा चुका है, अपने मुल्क के अंदर मुजाहरे इससे कंट्रोल नहीं हो रहे, इंटरनेशनल प्रेशर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तो ऋषि सुनक ने भी कह दिया कि नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी हैं चीज़ें, अमरीका ने अब्स्टेन कर दिया वोट पहली मरतबा तारीख में, पहली मरतबा, तो प्रेशर तो है।
और अब उस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए ये जो सहूनी वजीर आजम है इसने ये चाल सोची कि कौंसल खाने पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं, एक दूसरे मुल्क के अंदर तीसरे कंट्री के कौंसल खाने को हम टारगेट करते हैं तो देखना फिर ईरान का रद्द अमल सामने आएगा और ये जंग फैल जाएगी और वो जो शिकस्त है उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी पूरी दुनिया की भी और मेरे इन मुजाहिरीन की भी। तो इसकी ये चाल है और इस चाल में ईरान को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीन की आज़ादी बिल्कुल करीब है, मुजाहिदीन बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, मुजाहिदीन के हमले जारी हैं और मुजाहिदीन की जानिब से ये भी कहा गया ईरान का दौरा किया था हमास के चीफ ने, मैंने आपको बताया था इस्लामिक जिहाद के चीफ ने ईरान का दौरा किया था और वहाँ पर शुक्रिया भी अदा किया ईरान का और ये कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे, ये जितना मर्जी जोर लगा लें इंटरनेशनल बरादरी अब हमारे साथ आकर खड़ी हो गई, उन्होंने देख लिया इन सहूनियों का असल चेहरा, पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनकी रियलिटी क्या है और ये करके दिखाया है मुजाहिदीन ने। 7 अक्टूबर का ये ऑपरेशन ना होता तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल कुशी मुकम्मल कर लेते और पूरी दुनिया को इनका असल चेहरा नज़र ना आता कि किस तरह से भीगी बिल्ली बनकर वीडियो पैगाम जारी करने लग जाते हैं कि अच्छा एड वर्कर मारे गए हमें तो पता ही नहीं लगा, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये रियलिटी इनकी पूरी दुनिया को दिखाई है मुजाहिदीन ने और अब फ़लस्तीन की आज़ादी बहुत करीब है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर फ़लस्तीन को फुल मेम्बर कंट्री डिक्लेयर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फ़लस्तीन इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का आपको मालूम है कि फुल मेंबर स्टेट फ़लस्तीन नहीं है बल्कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है फ़लस्तीन। तो अब फुल मेंबर स्टेट बनाने के लिए अल्जीरिया की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस पर वोटिंग करवाई जाएगी अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर कि हाँ जी कौन कौन ये मानता है 190 से अबव जो कंट्रीज हैं जो फुल मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के, उनसे पूछा जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी कि हाँ जी फ़लस्तीन को फुल मेंबर स्टेट का दर्जा दे दें या ना दें। तो 140 ममालिक ऐसे हैं आपके OIC कंट्रीज़ के अलावा भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को एक फुल मेंबर स्टेट का दर्जा अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर देना चाहते हैं, टोटल 140 हैं। तो ये वोटिंग हुई और फ़लस्तीन मेंबर बन जाएगा, फुल मेंबर बन जाएगा अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली का। नहीं, ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर वोटिंग से पहले अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर वोटिंग ज़रूरी है और UN सिक्योरिटी कौंसिल के आपको मालूम है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उन 5 में से अमेरिका तो वीटो करेगा ही करेगा और ये यहाँ पर सलामती कौंसिल के अंदर से ये बाहर नहीं जाएगी दरख्वास्त। लेकिन कब तक, अमेरिका ने पहले भी मिसालें हमारे सामने हैं कि जंग बंदी को कितनी दफ़ा अमेरिका ने वीटो किया लेकिन आखिर अमरीका को अब्सटेन करना पड़ा तारीख में पहली मरतबा। और अगर मुजाहिदीन इसी तरह ईमान की ताकत से हमारी और आपकी दुआओं से डट कर इसी तरह मुकाबला करते रहे इन सहूनियों का तो वो दिन भी दूर नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर भी हार मान जाएगा और फ़लस्तीन को एक फुल मेंबर स्टेट का दर्जा अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर भी मिल जाएगा और 2-स्टेट सॉल्यूशन पर भी बहुत जल्द इनका जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और हो रहा है तो ये आकर बातचीत की टेबल पर भी बैठ जाएंगे। अब आने वाले चंद घंटों में क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये जो सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर की तो इसको देखकर लगता ऐसे है कि आने वाले चंद घंटों में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जिस तरह से ईरान ने कहा इस मीटिंग के बाद हिजबुल्ला की साइड से हमास हौसी मुजाहिदीन इराक के रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन की जानिब से हमले बढ़ेंगे और जब हमले बढ़ेंगे तो फिर ये जो प्रेशर है इसराइल के अंदर इसराइलियों का ये भी बढ़ेगा, आलमी प्रेशर भी बढ़ेगा जिस तरह की हरकतें सहूनियों की जानिब से की जा रही हैं और यहाँ पर ये मामला बातचीत की टेबल पर भी आ सकता है और अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर एक परमानेंट मेंबर के तौर पर भी हम फ़लस्तीन को इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रूर देखेंगे। और अगर ईरान की जानिब से कोई सख्त रद्द अमल सामने आता है या फिर डायरेक्ट रद्द अमल सामने आता है जिसके चांसेस तो बहुत कम हैं और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, अगर डायरेक्ट रद्द अमल सामने आया तो ये जंग खित्ते में फैल जाएगी। नज़र रखेंगे, दुआ करते रहें मुजाहिदीन के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।